एंजल वन में चार्ट सेटिंग कैसे करें आज की इस वीडियो को मिल जानेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे नॉलेजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। एंजल वन के अंदर चार्ट सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं कोई सा भी आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा रहा एंजल वन के अंदर चार्ट, तो इसकी सेटिंग करना, तो इस सेटिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। ऊपर आपको मिल जाता है टाइम फ्रेम, यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ से आप कोई सा भी स्टॉक शेयर कर सकते हैं। टाइम फ्रेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी टाइम फ्रेम लगाना चाहते हैं। यहाँ पर आप कैंडल वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप कौन से भी यहाँ पर इंडिकेटर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर बाय सेल कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर आपको अंडू रिडू का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप दो चार्ट एक साथ लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है यहाँ पर, अगला ऑप्शन मैं वापस जाता हूँ चार्ट के अंदर। फिर यहाँ पर साइड में आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर ट्रेडिंग की, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना। एनालाइज चार को मतलब सिंबल मिल जाता है, सिंबल के अंदर का हिसाब बॉडी बॉर्डर विक वगैरह लास्ट ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। अप्लाई टू डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं अगर सेटिंग पकड़िए, स्टेटस लाइन भी यहाँ पर अप्लाई टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इस तरह से कैसे आप यहाँ पर सेटिंग यहाँ पर अपने चार्ट को सही कर सकते हैं, अगर यहाँ पर ट्रेडिंग को भी यहाँ पर अप्लाई टू डिफ़ॉल्ट करके सही कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना।